Hello, I'm Romila. Welcome back to English Grammar Series. In today's session, we'll be learning the different types of nouns. So, nouns ke three main classifications hote hain. First is common nouns and proper nouns, collective nouns and abstract nouns, countable nouns and uncountable nouns. So, let's start with common and proper nouns first. So, common nouns kya hai? Common nouns are common names. Common naam hai. Common matlab sabke liye same hai, sabke liye कॉमन है, सबके लिए एक ही है. ओके, जैसे बॉय, इफ आई से बॉय, गर्ल, मैन, वुमन, इट्स अ कॉमन नेम. आई कुड बी टॉकिंग अबाउट एनी बॉय, आई कुड बी टॉकिंग अबाउट एनी मैन, एनी गर्ल, एनी वुमन. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक पर्सन. मैंने किसी का नाम नहीं लिया, आई एम जस्ट सेइंग बॉय, गर्ल, मैन, वुमन. तो ये कॉमन है. बॉय रिप्रेजेंट्स ऑल बॉयज, मैन रिप्रेजेंट्स ऑल मैन, सिटी रिप्रेजेंट्स ऑल सिटीज, ओके, कंट्री रिप्रेजेंट्स ऑल कंट्रीज. तो ये कॉमन नाम्स है, कॉमन नाउन्स है. ओके, नेम्स विच आर कॉमन, नेम्स विच आर सेम फॉर ऑल. लेकिन प्रॉपर नाउन्स है वो पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर और स्पेसिफिक नेम्स. किसी का स्पेसिफिक नाम, जैसे राज, राहुल, जॉन, किसी लड़के का, किसी आदमी का नाम है. ओके, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, इफ आई से राज, तो आई एम टॉकिंग अबाउट अ बॉय नेम्ड राज और अ मैन नेम्ड राज. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रैंडम बॉय, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रैंडम मैन, आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक मैन और अ स्पेसिफिक बॉय नेम्ड राज. तो राज, राहुल, जॉन, रोहन, ये हो गए हमारे प्रॉपर नाउन्स. अ पर्टिकुलर अ स्पेसिफिक नेम, किसी का स्पेसिफिक पर्टिकुलर नाम. ओके, तो बॉय कॉमन है, लेकिन राज, राहुल, जॉन, रोहन, अजय, विजय, जो भी है, वो हमारे प्रॉपर नाउन्स है. सेम विथ गर्ल, गर्ल या वुमन कॉमन नाउन है, लेकिन सिमरन, अंजलि, रिया, प्रीति, ये सब प्रॉपर नाउन्स है. ओके, किसी के स्पेसिफिक नेम्स है, पर्टिकुलर नेम्स है. सेम विथ सिटी, सिटी इज कॉमन. व्हेन आई से सिटी, आई कुड मीन एनी सिटी, कोई भी सिटी हो सकती है. लेकिन इफ आई से मुंबई या दिल्ली या पेरिस, आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक सिटी. एक ही मुंबई है, एक ही दिल्ली है, एक ही पेरिस है. ओके, सो व्हेन आई से मुंबई, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट मुंबई ओनली. आई एम रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक सिटी नेम्ड मुंबई और आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक सिटी नेम्ड दिल्ली. ओके, कंट्री, कंट्री भी कॉमन है, लेकिन इंडिया, जर्मनी, फ्रांस, ये प्रॉपर नाउन है. ओके, स्पेसिफिक नाम है. प्लैनेट कॉमन है, लेकिन मर्क्यूरी, वीनस, सैटर्न, ये प्रॉपर नाउन है. नूडल्स, अगर मैं आपसे बोलूँ कि गो टू द सुपर मार्केट एंड गेट अ पैकेट ऑफ नूडल्स, तो आप जाकर कोई भी रैंडम एक्स वाई जेड ब्रांड का पैकेट ले आओगे. बिकॉज मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है, आई हैव नॉट मैंशन एनी स्पेसिफिक ब्रांड नेम. आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि नूडल्स का पैकेट ले आओ, तो आप जो भी दिखे, वो जो भी पहला पैकेट हो, वो आप उठाकर ले आओगे. ओके, तो नूडल्स कॉमन है. लेकिन इफ आई टेल यू कि गो टू द सुपर मार्केट एंड गेट अ पैकेट ऑफ मैगी, मैंने किसी स्पेसिफिक ब्रांड का नाम लिया, तो जो भी ब्रांड नेम्स होते हैं वो हमारे प्रॉपर नाउन्स है. सो इफ आई से गो गेट अ पैकेट ऑफ मैगी, आपको पता है कि आपको जाकर मैगी का पैकेट ही लाना है. बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक ब्रांड, किसी का नाम लिया है मैंने. आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक ब्रांड, अ पर्टिकुलर, अ स्पेसिफिक नेम. तो नूडल्स कॉमन है, लेकिन मैगी, ये पी, चिंग्स, ये जो भी ब्रांड्स है, अलग अलग ब्रांड नेम्स है, ये हमारे प्रॉपर नाउन्स है. सोप, सोप कॉमन है, लेकिन लक्स, डव, सिंथॉल, ये प्रॉपर नाउन्स है. ठीक है, तो कॉमन नाउन्स आर कॉमन नेम्स, नेम्स विच आर सेम, कॉमन फॉर ऑल. एंड प्रॉपर नाउन्स आर नेम विच आर स्पेसिफिक. ओके, अ स्पेसिफिक नेम, अ पर्टिकुलर नेम. सो आई होप द डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स इज क्लियर. नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. तो पहले देखते हैं कलेक्टिव नाउन्स. अ कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड, अ नाउन विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ कलेक्शन और अ ग्रुप ऑफ समथिंग. कलेक्शन और ग्रुप, जैसे क्राउड, क्राउड क्या है? भीड़. अ कलेक्शन ऑफ पीपल. ओके, इफ 5, 6, 10, 20, 50 पीपल आर गैदर्ड टुगेदर, तो उनको मिलाकर बोलते हैं क्राउड. ओके, सो इट रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन ऑफ पीपल और अ ग्रुप ऑफ पीपल. क्लास, क्लास क्या है? अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स. आर्मी, अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स. हर्ड, अ कलेक्शन ऑफ कैटल. ओके, अ हर्ड ऑफ कैटल, अ ग्रुप ऑफ कैटल. फ्लॉक, अ कलेक्शन ऑफ बर्ड्स, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, मतलब अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स. फ्लीट, अ फ्लीट ऑफ शिप्स और अ फ्लीट ऑफ वेसल्स, अ कलेक्शन ऑफ शिप्स और वेसल्स, सॉरी, शिप्स और वेसल्स. सो जो भी वर्ड
किसी कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. अ ग्रुप विच रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप और अ कलेक्शन ऑफ समथिंग उसे कलेक्टिव नाउन बोलते हैं. ओके, सो क्राउड, क्लास, आर्मी, हर्ड, फ्लॉक, फ्लीट, इवन मूवी होती है. तो अगर आप किसी मूवी की इंफॉर्मेशन ढूंढो ऑनलाइन तो मूवी का सारा, मूवी की स्टोरी आती है एंड नीचे दिया होता है कास्ट, एंड कास्ट के नीचे सारे एक्टर्स की लिस्ट होती है, ऑल द एक्टर्स हु हैव प्लेड अ रोल इन दैट मूवी. तो कास्ट क्या है? इट इज द ग्रुप ऑफ एक्टर्स हु हैव प्लेड अ रोल इन दैट मूवी. तो कास्ट भी कलेक्टिव नाउन है. ओके, सो एनी नाउन विच रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप और अ कलेक्शन ऑफ समथिंग इज अ कलेक्टिव नाउन. नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स रिप्रेजेंट इनटैंजिबल आइडियाज. इनटैंजिबल मतलब समथिंग विच डज नॉट हैव अ फिजिकल फॉर्म, जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता. ओके, जैसे अकाउंटिंग में होता है टैंजिबल एसेट्स, इनटैंजिबल एसेट्स. ओके, सो इनटैंजिबल है जो हम टच नहीं कर सकते. इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल फॉर्म. ओके, इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट. जैसे क्वालिटीज है, एक्शंस है, स्टेट है, इनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता. जैसे काइंडनेस, काइंडनेस का कोई फिजिकल फॉर्म है कि ये लो दिस इज काइंडनेस? नो, राइट? इट्स एन इनटैंजिबल आइडिया और एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया. तो काइंडनेस, डार्कनेस, ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी, लाफ्टर, थेफ्ट, मूवमेंट, जजमेंट, हेट्रेड, चाइल्डहुड, डेथ, पॉवर्टी, सिकनेस, तो दीज आर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और इनटैंजिबल आइडियाज. तो इन्हें, इन क्वालिटीज, एक्शंस को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. ओके, हाउ आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फॉर्म्ड? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैसे बनते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स, फ्रॉम वर्ब्स और कॉमन नाउन्स. एडजेक्टिव्स क्या है? एनी वर्ड विच रिप्रेजेंट्स अ क्वालिटी. जैसे काइंड, ही इज अ काइंड मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन. तो काइंड, ऑनेस्ट, ये हमारे एडजेक्टिव्स है. लेकिन इनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाउन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. जैसे काइंड बन जाता है काइंडनेस. काइंडनेस इज अ नाउन. काइंडनेस एडजेक्टिव नहीं है. ही इज अ काइंडनेस मैन नहीं बोलते, ही इज अ काइंड मैन. उसके पास काइंडनेस की क्वालिटी है. ओके, तो काइंडनेस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ऑनेस्ट बिकम्स ऑनेस्टी. ऑनेस्टी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. वर्ब, अ वर्ड विच रिप्रेजेंट्स, डिनोट्स एन एक्शन. ओबे, ग्रो. ओबे बिकम्स ओबीडियंस. ओबीडियंस नाउन है. ग्रोथ नाउन है. दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. कॉमन नाउन्स से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनते हैं. जैसे चाइल्ड, स्लेव. चाइल्ड बिकम्स चाइल्डहुड. मैन बिकम्स मैनहुड. बॉय बिकम्स बॉयहुड. वुमन, वुमनहुड. राइट? स्लेव, स्लेवरी. ओके, तो स्लेव कॉमन नाउन है, स्लेवरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है विच रिप्रेजेंट इनटैंजिबल आइडियाज. आइडियाज, थिंग्स विच डू नॉट हैव अ फिजिकल फॉर्म. ओके, नेक्स्ट है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. ये बहुत सिंपल है. काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जो चीजें हम काउंट कर सकते हैं. ओके, जैसे बुक्स, वन बुक, मेनी बुक्स, वन बुक, फाइव बुक्स, यू कैन काउंट. ओके, मैन, वन मैन, टेन मैन, वन गर्ल, फाइव गर्ल्स, सब काउंट कर सकते हैं. एप्पल, एप्पल्स, सिस्टर, सिस्टर्स, आई हैव टू सिस्टर्स, आई हैव थ्री ब्रदर्स, काउंट कर सकते हैं. डॉक्टर, वन डॉक्टर, अ टीम ऑफ फाइव डॉक्टर्स, काउंट कर सकते हैं. तो ये सारे सारे काउंटेबल नाउन्स है. एंड अनकाउंटेबल नाउन्स है जो काउंट नहीं कर सकते. जैसे मिल्क, कैन यू काउंट मिल्क? वन मिल्क, टू मिल्क्स, नो. राइट? कैन यू काउंट ऑयल? नो. शुगर? नो. गोल्ड, ऑनेस्टी, ब्यूटी, क्या ये चीजें आप काउंट कर सकते हो? नो. तो ये अनकाउंटेबल है. तो काउंटेबल होते हैं जो काउंट कर सकते हैं, एंड अनकाउंटेबल जो काउंट नहीं कर सकते. ओके, नाउ यू हैव सिक्स सेंटेंसेस इन फ्रंट ऑफ यू. आपको हर सेंटेंस में फाइंड आउट करना है कि नाउन क्या है. फाइंड आउट द नाउन इन ईच सेंटेंस, एंड देन आपको बताना है कि वो कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव है या एब्स्ट्रैक्ट है. ओके, सो पॉज द वीडियो एंड मार्क योर आंसर्स, नोट योर आंसर्स. सो आई होप आपने आंसर्स लिख लिए हैं. फर्स्ट सेंटेंस देखो, द क्राउड वॉज वेरी बिग. तो क्राउड इज आर नाउन. ओके, किस टाइप का नाउन है? कलेक्टिव नाउन. वी जस्ट डिड दिस. कलेक्टिव नाउन है क्राउड, अ ग्रुप, अ कलेक्शन ऑफ पीपल. राइट? नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, दो नाउन्स है. एक है क्लास एंड दूसरा है प्यूपल्स. प्यूपल्स अगेन हमारा कलेक्टिव नाउन है, अ ग्रुप, अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स. एंड प्यूपल्स, प्यूपल्स मतलब स्टूडेंट्स, कॉमन नाउन है. ओके, नेक्स्ट, द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ.
एलिफेंट कॉमन नाउन है ना, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है. आप बोलोगे कि मैम एनिमल कॉमन नाउन है, लेकिन एलिफेंट लायन टाइगर ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये एनिमल्स के स्पेसिफिक नाम है. नो, रॉन्ग. एनिमल कॉमन नाउन है, लेकिन एलिफेंट लायन टाइगर डॉग कैट ये सब भी कॉमन नाउन ही है. ओके, इफ आई से एलिफेंट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक एलिफेंट. बहुत सारे एलिफेंट है. एलिफेंट रिप्रेजेंट्स द एंटायर क्लास ऑफ एलिफेंट्स. उसमें सारे एलिफेंट्स आ गए, दुनिया भर के सारे एलिफेंट्स आ गए. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कैट्स डॉग, उसमें सारे कैट्स एंड डॉग्स आ गए. लेकिन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सोनू माई पेट एलिफेंट, तो सोनू विल बी अ प्रॉपर नाउन. ओके, जो पेट्स होते हैं, जैसे आपके पास डॉगी है जिसका नाम है टॉमी, तो टॉमी इज अ प्रॉपर नाउन, लेकिन डॉग इज अ कॉमन नाउन. ओके, सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस. तो एलिफेंट कॉमन नाउन है, नॉट प्रॉपर नाउन. ओके, एंड स्ट्रेंथ क्वालिटी की बात हो रही है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. नेक्स्ट, सोलोमन. सोलोमन वॉज फेमस फॉर हिज विजडम. सोलोमन किसी का नाम है, सो इट्स अ प्रॉपर नाउन. एंड विजडम, अगेन क्वालिटी आ गई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. अ कमिटी ऑफ फाइव वॉज अपॉइंटेड. कमिटी कलेक्टिव नाउन है, इट्स अ ग्रुप, इट्स अ कलेक्शन ऑफ पीपल. विदाउट हेल्थ देर इज नो हैप्पीनेस. यहाँ पे दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है. ओके, इनटेंजिबल आइडियाज, हेल्थ एंड हैप्पीनेस. नेक्स्ट, अगेन वी हैव एन एक्सरसाइज. यहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. आपको यहाँ पे एडजेक्टिव्स दिए हैं, वर्ब्स दिए हैं एंड कॉमन नाउन्स दिए. यू हैव टू कन्वर्ट दीज इंटू एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, इनटेंजिबल आइडियाज. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आपको कन्वर्ट करना है. ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट योर आंसर्स. ओके, सो लेट्स सी. पहले एडजेक्टिव्स दिए हैं, हाई, तो उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, हाइट. ओके, जिसे लॉन्ग, लॉन्ग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन विल बी लेंथ. ओके, वाइड, विड्थ, वाइज, विजडम, पुअर, पॉवर्टी, हम्बल, ह्यूमिलिटी, डीप, डेप्थ, प्राउड, प्राइड. ओके, वर्ब, ये सारे वर्ब्स है, बिलीव, तो उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बिलीफ. ओके, आई बिलीव इन यू, दिस इज माई बिलीफ. ओके, सी, साइट, साइट नजर, दृष्टि, प्लीज, प्लेजर. ओके, आई एम प्लीज टू मीट यू. ओके, तो प्लीज वर्ब है, एक्शन है. एंड प्लेजर, इट इज माई प्लेजर, प्लेजर नाउन है. ओके, एडवाइस का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है एडवाइस. सी द डिफरेंस, यहाँ पर वर्ब एडवाइस होता है एस, ए डी वी आई एस ई, लेकिन इफ यू आर यूजिंग इट एज अ नाउन तो इट इज ए डी वी आई सी ई. ओके, ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस. यहाँ पे एडवाइस वर्ब नहीं है, ही गेव, गेव वर्ब है. आई, ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस में एडवाइस नाउन है, तो यहाँ पे ए डी वी आई सी ई आएगा. लेकिन इफ आई से ही एडवाइज्ड मी टू डू दिस, ही एडवाइज्ड मी टू डू दिस, तो यहाँ पे एडवाइज्ड वर्ब है, एक्शन है. He advised me to do this. So in this case, A-D-V-I-S-E आएगा. Okay? So note the difference. If you're using advice as a verb, it's A-D-V-I-S-E. And if you're using advice as a noun, it is A-D-V-I-C-E. Okay? So note the difference. बहुत छोटा difference है, लेकिन it's confusing. Depart becomes departure. जैसे arrive, arrival. Okay? Discover, discovery. कॉमन नाउन्स है, एजेंट बिकम्स एजेंसी, ऑथर इज ऑथरशिप, वुमन इज वुमनहुड, जैसे मैन मैनहुड, बॉय बॉयहुड, थीफ बिकम्स थेफ्ट, चोर चोरी. ओके, पेट्रियॉट पेट्रियॉटिज्म, बैंक्रप्ट बैंक्रप्टसी. ओके, तो ये हो गए हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स, फ्रॉम वर्ब्स एज वेल एज कॉमन नाउन्स. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट, और एक कॉन्सेप्ट है द नाउन जेंडर. जेंडर्स की बात करते हैं. चार टाइप के जेंडर्स है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर. मैस्कुलिन जेंडर है विच रिप्रेजेंट द नेम्स ऑफ द मेल जेंडर. फेमिनिन है फीमेल जेंडर. कॉमन है विच इज कॉमन फॉर बोथ, मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों के लिए सेम ही यूज होता है. And neuter, neither masculine, feminine, which the things which do not have a gender, okay, उन्हें neuter gender बोलते हैं. जैसे man, bull, gentleman, nephew, okay, these refer to
मेल जेंडर तो ये सारे मैस्कुलिन नाउन्स है, लेकिन वुमन, काउ, लेडी, नीस, किंग, क्वीन, प्रिंस, प्रिंसेस, ये मैस्कुलिन फेमिनिन है. ओके, कॉमन, कॉमन मतलब इधर मेल या फीमेल हो सकता है. जैसे पेरेंट, व्हेन आई से पेरेंट, इट कुड ईदर मीन मदर और फादर, लेकिन पेरेंट डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक, पेरेंट का कोई स्पेसिफिक मैस्कुलिन फेमिनिन फॉर्म नहीं होता है, पेरेंट दोनों के लिए कॉमन ही है. ओके, सेम विथ चाइल्ड, इट कुड बी अ मेल अ फीमेल. ओके, सेम विथ फ्रेंड, द फ्रेंड कुड बी ईदर मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है. नेबर ऑल्सो सेम, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, तो ये कॉमन है. न्यूट्रल जेंडर, जिसको कोई असाइन जेंडर नहीं होता, बुक है, पेन है, रूम है, ट्री है, दीज थिंग्स डू नॉट हैव एनी जेंडर. ओके, तो इन्हें न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं. तो मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल, चार जेंडर्स होते हैं. ओके, वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन ऑफ नाउन्स, फेमिनिन कैसे बनते हैं, फेमिनिन नाउन्स कैसे बनते हैं. एक तो है यूजिंग अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ड, कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ड. जैसे मैस्कुलिन है बैचलर, लेकिन फेमिनिन होता है स्पिंस्टर, यू आर यूजिंग अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ड. हस्बैंड, वाइफ, विजर्ड, विच, डॉग, बिच. ओके, मैस्कुलिन फेमिनिन कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ड्स है दोनों. दूसरा मेथड है एडिंग अ सिलेबल, जैसे ई डबल एस आई एन ई लास्ट में ऐड करना. मास्टर बिकम्स मिस्ट्रेस, ई डबल एस ऐड हो गया यहाँ पर. हीरो का हो गया हीरोइन, आई एन ई ऐड हुआ है यहाँ पर. एक्टर बिकम्स एक्ट्रेस, अगेन ई डबल एस. वेटर बिकम्स वेट्रेस. ओके, नेक्स्ट है प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर, वर्ड के पहले या बाद में एक वर्ड ऐड कर देना. लैंडलॉर्ड बिकम्स लैंड लेडी, लैंड के बाद लॉर्ड लगा दो तो बिकम्स मेल एंड मैस्कुलिन, एंड लेडी लगा दो तो बिकम्स फेमिनिन. ओके, लैंडलॉर्ड, लैंड लेडी. पीकॉक, पी हेन. मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट. ओके, प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर, यहाँ पे बिफोर पहले आ गया, सर्वेंट के पहले. मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट. सेल्स मैन, सेल्स वुमन. ओके, सो मैस्कुलिन फेमिनिन. So this is it for today's session. I hope you all understood the classification of nouns. Next session mein uncountable and countable nouns aur detail mein dekhenge singular plural ka concept. I hope you all enjoy today's session. Iski PDF aapko Telegram pe mil jayegi. If you have any questions, you can ask those in the comment section below. Thank you for watching. I'll see you all in the next session.